आप लोग प्लीज़ सेफ रहो अगर आपको लग रहा है कि आपको एक साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा तो आप गलत फहमी में हो हम यंग लोगों को देख रहे हैं आई मीन वी हैव अ थर्टी फाइव ईयर ओल्ड हु इज ऑन द वेंटिलेटर एंड वी आर नॉट एबल टू हेल्प पीपल नाउ सो वी डू नॉट वॉन्ट वी वी रियली डोंट वॉन्ट एनी ऑफ यू टू बी इन दैट सिचुएशन so uh, sorry uh, dr Drukti, uh, किस तरह की uh, स्थिति uh, किस तरह की सिचुएशन फिलहाल आप मुंबई में देख रही है क्या ये सिचुएशन बिल्कुल स्थिति हाथ के बाहर चली गई है कंट्रोल के बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है हाँ जो फिलहाल जो सिचुएशन है बॉम्बे में वो ऐसी स्थिति है कि आई थिंक किसी भी डॉक्टर ने या किसी ने भी कभी भी नहीं देखा कि इतने ज़्यादा नंबर्स में लोगों को हॉस्पिटल बेड की ज़रूरत है और उतने बेड्स ही नहीं है या उतने आईसीयू अवेलेबल ही नहीं है तो ये जो सिचुएशन uh, है जहाँ एब्सोलूटली लाचार और हेल्पलेस हो गए हैं ये सिचुएशन आई थिंक सिर्फ बॉम्बे में नहीं अभी हम सुन रहे हैं कि हर सिटी में ऐसे हो रहा है दिल्ली में ऐसे हो रहा है धीरे धीरे uh, जो महाराष्ट्र के बहुत सारे सिटीज़ है वहां ऐसे सिचुएशन uh, आ गया है कि जितने पेशेंट्स हैं उतने बेड्स ही नहीं है लेकिन डॉक्टर तुप्पी इस तरह की सिचुएशन मुंबई जैसे शहर में क्यों हुई आ, क्या हुआ है आ, मुंबई में कि इस तरह से लगातार सात हजार आठ हजार ग्यारह हजार तक मुंबई में मामले दर्ज किए गए लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे ऑक्सीजन नहीं मिल रही इसमें दो चीजें साथ में हुई है जब कोरोना के केसेस सितंबर अक्टूबर नवंबर के बाद कम होना चालू हुए तब हम सबको लगा कि कोविड हमारे देश से चला गया हमारे देश ने बहुत ही बेहतरीन काम किया कि हमने कोविड को मात दिया पर हम ये भूल गए कि हमारे जैसे बहुत सारे देश थे जिनका फर्स्ट वेव हो चुका था पर उन्होंने सेकेंड वेव देखा था हमारे सामने दूसरे देशों में सेकेंड वेव दिख रहा था और ये देखने के बावजूद हम लोग थोड़े से रिलैक्स हो गए मास्क पहनना भूल गए रस्तों पे भीड़ हो गई सोशलाइजेशन चालू हो गए और लाइफ ऐसे चालू हो गई जैसे कि कभी कोविड आसपास है ही नहीं इसी बैकग्राउंड में एक म्यूटेंट स्ट्रेन आया कोविड का जो हम सब डॉक्टर्स जानते हैं कि हर वायरस में एक म्यूटेंट स्ट्रेन कभी भी आ सकता है तो जब ये पूरे लैक्स एटीट्यूड के बैकग्राउंड में एक म्यूटेंट स्ट्रेन आया तब जो कोरोना का संक्रमण है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा इतने तेजी से बढ़ने लगा कि हम सिर्फ एक महीने में हम नो कोरोना से फुल कोरोना तक पहुंच गए इतने तेजी से कि जहां हमें कुछ दिनों पहले तक काफी काफी सारे कोविड हॉस्पिटल्स बंद हो गए थे और वापस लोगों ने नॉन कोविड काम चालू कर दिया था हमको एक महीने में वापस वापस पूरे पूरे हॉस्पिटल्स को कोविड में कन्वर्ट करना लेकिन डॉक्टर जिस तरह की परिस्थितियां मुंबई में बनी हुई है आप हॉस्पिटल्स में जाती है वार्ड में घूमती है आईसीयू में देखती है किस तरह का एक पिक्चर आपके सामने जब आप एंटर होती है हॉस्पिटल में तो हो, होता है क्या आपका अनुभव हॉस्पिटल का आप शेयर करना चाहेंगी चाहेंगे तो, दोनों टाइप के केसेस आते हैं काफी सारे केसेस हमारे पास सही समय पहुंचते हैं ताकि हम उनको सही में मदद कर पाए पर जो फिलहाल पिक्चर पिक्चर चल रहा है वो ऐसा है कि काफी सारे केसेस हमारे पास लेट आ रहे हैं और इस बार वो इसलिए लेट नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल आने का डर था वो इसलिए लेट आ रहे क्योंकि वो दो तीन दिन से कोशिश कर रहे थे हॉस्पिटल में एडमिट होने की पर उनके लिए बेड अवेलेबल नहीं था तो जब तक उनके लिए बेड अवेलेबल एक्चुअली होता है तब तक दो तीन दिन ऑलरेडी लेट हो चुका होता है तो ये नहीं है कि जब दो तीन दिन लेट होता है तो हम कुछ नहीं कर पाते ये डेफिनेटली नहीं है हम उसके बाद भी पेशेंट को मदद कर पाते हैं पर ये दो तीन दिनों में कुछ कुछ केसेस ऐसे वर्सन हो जाते हैं कि या तो हम उनको बचा नहीं पाते या तो उन, उनको ठीक करने में हमें बहुत ज्यादा मतलब तो ये जो सीनरियो है जहाँ बहुत सारे पेशेंट्स जिनको इंटेंसिव केयर की जरूरत है या जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है इतने ज्यादा नंबर्स में हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं ये जो है सिनेरियो ये हमने सिर्फ 2020 में देखा था कुछ महीनों के लिए और हमको लगा था कि अच्छा हो गया ये समय खत्म हो गया और हम वापस वही पिक्चर वापस देख रहे लेकिन डॉक्टर चुप्ती आपको भी कई ऐसे फोन आते होंगे डॉक्टर बेड चाहिए आप किसी भी तरह से बेड दे दो मरीज बिल्कुल उनकी स्थिति खराब है कुछ भी हो सकता है एक ऑक्सीजन का सिलेंडर आप, आप कहीं से दे दो ये जब कॉल आते होंगे तो किस तरह की मन में भावनाएं चलती है कि हम इसे मदद कर सकते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है क्या चल रहा है आपके मन में हाँ ये जो हर दवाइयों के लिए कॉल आते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए कॉल आते हैं बेड के लिए कॉल आते हैं हम हर कॉल लेते हैं हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई हमारे हॉस्पिटल्स में या हमारे कलीग्स के कॉन्टेक्ट से हमको पूछना पड़ता है कि कहाँ बेड अवेलेबल है इनको सही में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये घर पे ऑक्सीजन ले रहे प्लीज दिलवा दो काफ़ी बार हम मदद कर पाते हैं और काफ़ी बार हम मदद नहीं कर पाते और जब हम मदद नहीं कर पाते और सोचिए ये जो हमें फ़ोन कर रहे हैं ये काफ़ी बार हमारे अपने रिश्तेदार हो जाए ये हमारे हमारे पुराने दोस्त हैं हमारे दोस्तों के पेरेंट्स हैं और हमें लगता है कि हम डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के रिश्तेदार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो जो सामान्य जनता है वो क्या कर रही होगी इस समय तो अगर हम इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं तो बाकी लोग कितने ज्यादा हेल्पलेस हैं? डॉक्टर त्रुप्ति आपने जो वीडियो जारी किया था जो आपने अपील की थी मुंबईकरों के लिए उस वीडियो में एक इमोशनल आउटबर्स्ट भी हुआ था क्या ये इमोशनल आउटबर्स्ट लोगों की मदद ना करने की वजह से हुआ है एक मन में मलाल रहता है कि मैंने मदद करनी चाहिए थी मैंने कोशिश भी की लेकिन हो नहीं पाया हाँ तो एक्चुअली ये जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैं जस्ट हॉस्पिटल वार्ड से बाहर निकली थी और मैं ऐसे गाड़ी मारा गाड़ी में आकर बैठी थी और मुझे लग रहा था कि क्या चल रहा है कितने सारे पेशेंट्स इतना हॉस्पिटल फुल है बाहर पेशेंट्स वेट कर रहे हैं और हमें फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहा है और उसी दौरान अ, मेरे एक स्कूल फ्रेंड के फ़ादर की डेथ हुई सिर्फ इसलिए वो भी घर पर सिर्फ़ इसलिए क्योंकि हम उनके लिए बेड नहीं अरेंज कर पाए तो एक्चुअली जो ये वीडियो बनाया था मैंने अपने सिर्फ परिवार वाले और हमारे दोस्तों के लिए बनाया था और मैंने सिर्फ ये फ्रेंड्स और फैमिली के ग्रुप पे शेयर किया था कि प्लीज़ हम इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं हम आपको मदद करना चाह रहे हैं पर हम काफ़ी बार आपको मदद नहीं कर पा रहे तो इससे बचने के लिए आप प्लीज़ सेफ रहिए और ऑब्वियसली ये वीडियो ये चार पांच ग्रुप से कहीं बाहर निकला और आ, मुझे समझ रहा है कि ये जो फीलिंग जो मैंने बताया ये हर डॉक्टर या डॉक्टर नहीं है हर फ्रंटलाइन वर्कर एक्सपीरियंस कर रहा है जो हम मदद करना चाहते हैं काफी बार हम नहीं कर पा रहे और क्योंकि हम मदद नहीं कर पा रहे आपके हाथ हाथ में में जितना है आप सब लोगों के हाथ में, हम जितना हमसे कर पा रहे हम कर रहे हैं पर आपके हाथ में है कि आप सेफ रहो और बहुत आसान तरीके है सेफ रहने के लिए तो आप प्लीज उतना तो कीजिए लेकिन क्या आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा लोग अब कोविड को नजरअंदाज कर रहे हैं उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं कोविड को क्या है कोरोना कुछ नहीं है पिछले बार हमें कुछ नहीं हुआ इस को भी गया या उनके दोस्तों में उन्होंने देखा है कि कोविड होकर कुछ नहीं हुआ है घर पे ठीक हो चुके है या उन्हें लगता है कि मैं यंग हूँ मुझे कुछ नहीं होगा अगर कोविड हो भी जाएगा तो वैसे ही सब लोग तो बोलते ही है कि नाइन्टी लोगों को कुछ नहीं होगा तो फिर क्या डरना पर लोग ये भूल जाते हैं कि उन लोग तो काफ़ी बार छूट जाते हैं पर वो बीमारी या तो किसी और दोस्त को देते हैं या तो अपने घर वालों को देते हैं और अगर आप सोचो कि अगर किसी हर इंसान को ये समझे कि उनके गैर-जिम्मेदारी के कारण अगर कोई और इंसान हॉस्पिटल पहुंचता है तो कितनी बुरी बात है अगर हर इंसान को ये समझ जाए कि वो जिम्मेदार आप सिर्फ खुद के लिए नहीं है वो जिम्मेदार उनके आसपास के हर इंसान के लिए है तो इतनी जिम्मेदारी रखे कि आप खुद भी सेफ रहे अपने घर वाले सेफ रहे आपके आसपास के लोग सेफ रहे क्योंकि ये इतना बुरा समय है हम बोलते हैं लोगों को कि आप कोविड से नहीं कोई और चीज से भी प्लीज बीमार मत हो क्योंकि हॉस्पिटल ऐसे फुल है कि कोविड के लिए भी जगह नहीं है और नॉन कोविड के लिए भी जगह नहीं है लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं डॉक्टर त्रुप्टी लोग बाहर निकल रहे हैं मार्केट्स में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है ट्रेन में लोग सफर कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं लोग घर में रुकना नहीं चाहते आपका क्या मैसेज होगा उन लोगों के लिए क्योंकि लोगों ने घर रहना चाहिए सुरक्षित रहना चाहिए ये हम कहते जरूर है लेकिन उसे लोग मानते नहीं देखो हमको समझना पड़ेगा कि लोगों को पैसे की जरूरत है लोग घर पे नहीं बैठ सकते आई I मीन mean... पिछले लॉकडाउन में हमने देखा कि देश की इकोनॉमी कितने बुरे तरीके से क्रैश हुई थी और ये पूरे इकोनॉमिक क्रैश में हम ये भी जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं वो होते हैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और लोअर लोअर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास लोग तो उनको काम पे जाना जरूरी है हम ये नहीं बोल रहे आप काम पे मत जाइए हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि काम पे जाना ज़रूरी है जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो अवॉइड कीजिए पर जब आप काम पे जा रहे हो आपको सिर्फ सिंपल चीज़ें फॉलो करनी है आपको सिर्फ मास्क फुल टाइम पहनना है अगर हर इंसान मास्क फुल टाइम पहनेगा, तो हम एक्चुअली ऐसा लगता है कि ये ना मिलने की वजह एक है कि लोग पैनिक रिएक्शन में अ, डर के मारे लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं बेड्स के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं जहां बेड्स मिल रहे वहां पर जाकर एडमिट हो रहे हैं लेकिन जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन या फिर बेड्स नहीं मिल रहे ये ये काफ़ी हद तक सच है कि एक विशिष्ट साइकिल हो गया है जिन लोगों को जैसे ही कोविड डायग्नोसिस होता है और अगर वो बुजुर्ग लोग हैं या किसी को डायबिटीज है तो उनको लगता है बेड हॉस्पिटल की जरूरत होने से पहले ही एडमिट हो जाओ और फिर वो विशिष्ट साइकिल चालू हो जाता है क्योंकि वो एडमिट होते हैं कुछ और लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है पर हॉस्पिटल में नहीं होते तो ये एक फाइन बैलेंस है हम चाहते हैं कि ऐसे लोग उनके हॉस्पिट उनके डॉक्टर्स के टच में रहे उनके डॉक्टर्स सही समय आपको उनको बताएंगे कि कब उनको सही में एडमिट होने की जरूरत है और सिर्फ बिना काम का हॉस्पिटल हौ बेड डेफिनेटली करें कहीं कहीं ना कही लोग मर रहे हैं लोगों को बेड नहीं मिल रहा हम मदद नहीं कर पा रहे हेल्प नहीं कर पा रहे एक डिप्रेशन हेल्थ वर्कर्स में भी है डॉक्टर्स में भी है तो क्या आपके फ्रेंड्स में या फिर आपको कहीं ऐसे लगा है अब ये बस होना चाहिए ये कितने दिन तक चलेगा कितने दिन तक हम ऐसे ही काम करते रहेंगे आई थिंक ये बस होना चाहिए वो वाला फीलिंग हम सबको बहुत ज़्यादा है कि यू you नो know, ये सिचुएशन में अब हमको लंबा काम नहीं करना है इट्स वेरी डिफिकल्ट दूसरी बात बताए तो आई थिंक हम लोगों को एक दूसरे से हमारे मेंटल स्टेट के बारे में डिस्कस करने का वक्त ही नहीं मिल रहा हम जबी भी हॉस्पिटल में होते हैं हमारा सिर्फ एक काम होता है पेशेंट हम ना हम एक दूसरे के बारे में हम हमको सोचने के लिए वक्त है ना हमारे कोई दूसरे डॉक्टर ने खाना खाया भी कि नहीं वो कब कितने घंटे सोया है हमको ये डिस्कस करने का वक्त ही नहीं है ये सच बात है कि हमको ये शायद करना चाहिए पर सिचुएशन ही ऐसे एक्स्ट्रॉर्डनरी है कि हम शायद नहीं कर पा रहे तो हाँ हम ये जानते हैं कि स्पेशली जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है जो आठ आठ घंटा बारह बारह घंटा पी, पी सूट में काम कर रहे हैं डे आफ्टर डे बिना कुछ ब्रेक का हम जानते हैं कि उनमें डिप्रेशन के केसेस हो रहे हैं स्पेशली उन लोगों में जो अपने परिवार से दूर हैं यू you नो know, जो काफ़ी महीनों से अपने परिवार से इसलिए दूर है क्योंकि वो डर दर, डरते हैं कि हम कोविड सेटअप में काम करें कहीं हम जाके अपने परिवार वालों को कोविड ना दे दें तो ये सिचुएशन में डेफिनेटली सम कंपोनेंट ऑफ डिप्रेशन डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स में है एड्रेस करना ज़रूरी है पर फिलहाल जो हमारे सामने इमरजेंसी है वो है कोविड और आई थिंक हमको अगले छः आठ हफ्ते हमको बस इससे कैसे कैसे निकलना है।